हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्लास 10 छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 को रिजल्ट जो है 20 जून तक प्रिपेयर करना है। इसी को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने पूरे देश भर के सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपलों के साथ जो है एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें देश भर के करीब 138 प्रिंसिपल जो है सीबीएसई बोर्ड के देश भर के तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल इसमें शामिल हुए। सबसे बड़ी बात है क्लास 10 को रिजल्ट के लेकर इस मीटिंग में की गई। वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के छात्रों के मन में जो लगातार सवाल है स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर, छात्रों को लेकर, जैसे कि नोटिफिकेशन हाल ही में आई है कि छात्र अपने मर्जी से सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, इसको लेकर सीबीएसई बोर्ड ने फाइनली जो है क्लास 10 छात्रों को लेकर एक बड़ी अपडेट देते हुए उनकी जानकारी को, यानी क्लास 10 के छात्रों के मन में जो डाउट है उसे क्लियर कर दिया है। इसी बीच आप लोग के भी कुछ सवाल है तो वो भी मैं आपको दूंगा, तो देर इस किस बात की, चलिए शुरुआत कर देते हैं सबसे पहली अपडेट से। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट की, तो सीबीएसई बोर्ड का जो वेबिनार हुआ इसमें जो बड़ी बातें की गई, सीबीएसई बोर्ड के जो सिटी कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने जो है पूरी कंप्लीटली जो है आपके मीटिंग को बुलाया, और इसमें जो बड़ी बातें की गई, देश भर के तमाम स्कूल के प्रिंसिपल शामिल हुए, उन्हें रिजल्ट प्रिपेयर करना है। इसी को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने उन्हें जो है पूरी कंप्लीटली उन्हें बताया कि किस तरीके से आप लोग रिजल्ट को प्रिपेयर किए। इस मीटिंग का जो मेन मोटिव था ये वो है छात्रों के लिए, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के जो लगातार छात्र जो है सवाल हमसे पूछ रहे थे, कई सारे सवाल आप लोग के मन में थे कि हमारे प्री बोर्ड में जो है हम जो है प्रेजेंट नहीं थे, हम लोग स्कूल में जितने टेस्ट हुए थे हमने उसे दिया ही नहीं, हमारे प्री बोर्ड में मार्क्स कम है, हम प्री बोर्ड में फेल है। तो इसमें जो बड़ी बातें हैं, छात्रों के अंक किस तरीके से निर्धारित किए जाए, उन छात्रों के जो है विभिन्न टेस्ट आप स्कूलों में हुए, जब उनके विभिन्न टेस्ट और प्री बोर्ड में वो अनुपस्थित रहे, तो इसको लेकर जो बड़ी बातें हैं, जो मंथन हुआ सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट को लेकर, इन सवालों को लेकर जो है सबसे बड़ा मंथन किया गया है कि क्लास 10 के इन छात्रों को जो है रिजल्ट किस तरीके से प्रिपेयर की जाएगी। तो लेकर जो है सबसे बड़ी मंथन की गई रिजल्ट को लेकर, और बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन जो है सीबीएसई बोर्ड इसको लेकर जो है बहुत ही जल्द जो है पब्लिकली आपको क्लियर कर देगी, ये जो छात्रों के मन में सवाल है। और वही छात्रों के मन में सवाल ये है, यानी कि एक छात्र ने हमसे ये सवाल पूछा है कि हमारे स्कूल जो है वो 10th के बाद जो है 11th में जब हम स्ट्रीम ले रहे हैं तो उन्हें जो है हमें साइंस स्ट्रीम नहीं दी जा रही है, यानी कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जैसे जो मेन सब्जेक्ट है वो नहीं दी जा रही है। ये रियलिटी है, यानी कि मैं आपको एक पर्सनली आपको बताऊं तो देश के कई सारे ऐसे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, इवेनली वो स्कूल की भी बात कर रहा हूं जो 12th तक है, यानी कि जो 10th तक स्कूल है तो उनकी तो बात ही है कि वो 10th के बाद जो है उन्हें स्ट्रीम लेने के लिए दूसरे स्कूल में जाना ही पड़ेगा, लेकिन जो इवेनली कई सारे ऐसे स्कूल है सीबीएसई बोर्ड के जो 12 तक होने के बावजूद भी है वो कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर वह छात्रों को प्रोवाइड करा ही नहीं पाते, यानी कि कॉमर्स तक तो मोस्ट ऑफ द स्कूल प्रोवाइड करा देते हैं लेकिन साइंस जो है प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। उसका मेन कारण है टीचर्स, यानी कि अगर वो साइंस देने की बात नहीं है, अगर स्कूल साइंस दे देते हैं तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर कहां से लाएंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है देश भर में, टीचर्स की भी समस्या है जिसके कारण ये कई सारे स्कूलों में इस तरीके से होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को एकमात्र तरीका होता है साइंस स्ट्रीम लेने के लिए, तो आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा और रिजल्ट के बाद जो है आपको अनदर स्कूल में एडमिशंस लेना ही पड़ेगा। अगर आप साइंस लेना ही चाहते हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे जो मैथ है वो लेना ही चाहते हैं, तो आपको अनदर स्कूल में जाना ही पड़ेगा। ये जो बड़ी है रियलिटी है, जो इंडिया की रियलिटी आपको समझनी होगी। वहीं जो सीबीएसई बोर्ड ने आखिरकार इसका जवाब तो दे ही दिया, इंतजार काफी दिनों से था, उम्मीद नहीं थी कि सीबीएसई बोर्ड जो है सर्कुलर के बाद भी कुछ बोलेगी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड क्या होती है सर्कुलर तो दे देती है, उसके बाद सर्कुलर आपको समझ में आया नहीं आया, सवाल सब उसमें कई सारे उठ रहे हैं आपके, बस सवाल चलते रहते थे लेकिन जवाब नहीं आता था। ये बातें हैं सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर की है, छात्रों के मन में सवाल था, आप लोगों के मन में भी सवाल है कि 11th में जो हम स्ट्रीम लेंगे वो अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, तो क्या स्कूल हमें प्रोवाइड कराएंगे हम जो सब्जेक्ट लेना चाहेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड ने कहा, साफ साफ कहा कि स्कूल में अगर वो आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं अगर उसके टीचर जो है मौजूद हैं, आपके शिक्षक स्कूल में मौजूद हैं, आपके स्कूल दे रहे हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज स्कूल को फोर्स नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई छात्र कहेंगे कि हमें ये स्ट्रीम तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि हमें किसी भी तरीके से हमें ये सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और वो जो है स्कूल नहीं दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको दे ही दिया जाएगा, स्कूल नहीं देंगे तो आपको नहीं दी जाएगी। ये बड़ी बात है जो आपको समझनी होगी, यानी कि बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ये जो है पीसीएम के बात कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि आपके स्कूल में जो है आपको ये अगर कह रहे हैं स्कूल वाले कह रहे हैं कि आप फिजिक्स को छोड़कर अकाउंट नहीं ले सकते हैं, यानी कि बात करें अकाउंट केमिस्ट्री मैथ नहीं ले सकते हैं, तो आपको नहीं दी जाएगी। स्कूल पर पूरा डिपेंड है, फोर्स नहीं किया जाएगा स्कूलों को कि आपको जो है छात्रों को फिजिक्स हटा दीजिए या केमिस्ट्री हटा दीजिए या मैथ हटा दीजिए, स्कूल देंगे तभी आपको दी जाएगी। और प्रॉब्लम भी है, यानी कि आप लोग इस बात को सोच रहे हैं कि ये जितना आसान दिख रहा है आपको कि आप कोई सा भी स्ट्रीम ले लेंगे, ये बहुत ही आपको डिफिकल्ट है। सोचिए, यानी कि एक बात को मैं आपको करेंट आपको बता दूं, पर्सनली मैं आपको बता दूं, एक कंप्लीटली आप लोग सोचिए, अगर आप पीसीएम यानी कि साइंस का स्ट्रीम मेन सब्जेक्ट होती है, अगर आप लोग फिजिक्स हटा देते हैं तो आप लोग सोचिए आपको आगे चल के फ्यूचर में
कितनी दिक्कत होगी अगर फिजिक्स हटा के आप अकाउंटेंसी लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने फिजिक्स ही हटा दिया उसके जगह अकाउंटेंसी ले लिया, तो सबसे पहले तो आप जेई मेंस की जो एग्जाम्स है उसके लिए आप तो पूरी कंप्लीट से एलिजिबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है। जेई नहीं दे सकते हैं, एनडीए एग्जाम्स आप नहीं दे सकते हैं, यानी सब कुछ यहाँ पे जो है फिजिक्स कंपलसरी होती है। तो ऐसे भी नहीं कि आप जल्दीबाजी में आपने फिजिक्स सब्जेक्ट हार्ड है तो उसे आपने छोड़ दिया या आपने साइंस ली है तो आपने मेन सब्जेक्ट को ही हटा दिया, ये जल्दीबाजी नहीं करिएगा, क्योंकि जेईस के लिए आप एलिजिबल खत्म हो जाएगी। एनडीए के इवेंटली जो है एयरफोर्स यानी देश की जो वायुसेना है उसमें भी कई सारी वैकेंसीज होती है जहाँ पे आपको जो है वहाँ पे फिजिक्स कंपलसरी होती है कई सारी वैकेंसीज में। तो ऐसे में आप यहाँ से भी आप मौके खो दीजिएगा। तो ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है, आपको जो सब्जेक्ट जो है आप उसी सब्जेक्ट को चुनिए जो आपके आगे करियर में आपके लिए हेल्पफुल होगा। मुझे लगता है स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर आप लोग के मन में काफी सारे सवाल हैं, तो देर किस बात की करते हो आप लोग, नीचे जाओ कमेंट करो, आप लोग के कमेंट आएंगे तभी तो मैं जानूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, कि 11th के छात्र जो है वो किस बात को लेकर परेशान है, वो स्ट्रीम सिलेक्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक्चुअली जो है साइंस स्ट्रीम वो ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं, तो आगे चल के वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं कि साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, ये कंप्लीटली आप लोग सवाल करिए, नीचे पूछिए, आप लोग का सवाल होंगे तभी तो जवाब मिलेगा, इसको लेकर जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जो अगर आपके पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउटनेट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनेट पे वीडियो सॉल्यूशन, चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनेट पे। क्लास 6-12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डॉटनेट पे पढ़िए कोटा के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ, यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो आप लोग नीचे कमेंट करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक के बटन को 4 डालिए, लाइक करना ना भूलिए, आप लोग का 1 लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे आपकी इसी तरीके से आपकी हेल्प करने की। तो अभी किस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।